जय हिंद दोस्तों। आज के आप बहुत सारे लोगों के इसी को जो आज का टॉपिक है इसी विषय पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज की इस वीडियो आपके टॉपिक पर होने वाली है। आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी इस विषय पर आते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ कि लर्निंग लाइसेंस बनवाने के कितने दिनों बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन कर सकते हैं, कितने दिनों बाद यह बनता है, इसके लिए मिनिमम डेज कितने वहाँ पर स्पेसिफाइड हैं और मैक्सिमम डेज कितने स्पेसिफाइड हैं, ये मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत सारे लोगों की क्वारीज भी है इस विषय पर। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, जुड़े रहेंगे। आपके विषय पर खास आपके वहाँ पर डाउट पर ये वीडियो है, इसीलिए आपसे उम्मीद करता हूँ और ये आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन आप बहुत ज़्यादा मिलता है और एक्साइटमेंट भी होती है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी आती है आप लोगों को नई नई जानकारी पहुँचाने के लिए। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करने के साथ साथ शेयर करिएगा अपने फैमिली एवं फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुँचाइए, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ RTO फील्ड से रिलेटेड आपको म्यूचुअल में भी मिलती रहे। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं दोस्तों। एक बार जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो बनवा लीजिए, तो उसके बाद आप कितने दिनों बाद परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यही आपका क्वेश्चन होता है। तो इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि लर्निंग लाइसेंस पहले आप बनवाइए। लर्निंग लाइसेंस जो होता है वो 6 महीने तक वैध होता है, मान्य होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता तो अब आपको पता लग गया कि लर्निंग लाइसेंस वो 6 महीने तक तो मान्य होता है। अब 6 महीने तक तो लर्निंग लाइसेंस आपका मान्य है, तो उसी के बीच में ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा सकते हैं। इसके ना बाद में आपका बिल्कुल नहीं बनेगा, और लर्निंग लाइसेंस भी जो आपका होगा वो बाद में फिर उसको बढ़ाया नहीं जाएगा, कोई वैलिडिटी वगैरह एक्सटेंशन नहीं मिलती है। तो इसी के बीच में ही आपको परमानेंट लाइसेंस आवेदन करना होता है। बट ध्यान से सुनिए, अब एक बार आपने जब लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया तो उसमें जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, उसमें क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम जो है वो 30 डेज़ का क्राइटेरिया रखा गया है और मैक्सिमम 180 डेज़ का है। यानी कि आप 30 दिनों के पहले परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस को कच्चा लाइसेंस भी बोला जाता है हिंदी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो, और परमानेंट लाइसेंस को पक्का लाइसेंस बोला जाता है, यानी कि कच्चा और पक्का। तो ये जो कच्चा लाइसेंस होता है ये 6 महीने तक वैध होता है और पक्का लाइसेंस मैक्सिमम टाइम तक वैलिड होता है, आपकी एज पर डिपेंड करता है, 10 12 साल, 15 साल, 20 साल तक, उसके बाद रिन्यूअल भी करवाते हैं। तो ये जो लाइसेंस लर्निंग वाला होता है इसमें मिनिमम 30 दिनों के बाद में ही आप परमानेंट यानी पक्का लाइसेंस आवेदन करने के लिए एलिजिबल होते हैं। 30 दिन कम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम आप वेट करते हैं तो 180 डेज़ के अंदर ही होना चाहिए। तो 180 दिनों के अंदर में आवेदन कर दें और 30 दिनों के बाद में करें, बेटर होगा कि आप 30 दिनों के बाद में कर दें, 2 महीने में कर दें, 60 दिनों पे कर दें। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा आवेदन करते वक्त परमानेंट लाइसेंस के, तभी आवेदन करें जब आपको स्लॉट्स भी 10 से 15 दिन, 20 दिन या फिर महीने में मिल रहे हैं। तो अगर आप आवेदन कर रहे हैं 170वें दिन, यानी कि लर्निंग लाइसेंस जब बना 170 दिन का वो हो चुका है अब, और आप आवेदन कर रहे हैं परमानेंट लाइसेंस का, तो आवेदन तो आप हो जाएगा क्योंकि 180 डेज़ तक होता है लिमिट मैक्सिमम। बट आप जब स्लॉट बुक करेंगे तो आपको स्लॉट ही नहीं मिलेगा, तो आपका लर्निंग लाइसेंस जब परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए आप जाएंगे 10 से 15 दिन बाद, तब तक आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया होगा। तो इससे आप लोग बचें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप आवेदन करें तो ध्यान रखें कि आपका स्लॉट्स भी एक्सपायरी डेट के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर चला गया तो आवेदन करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जब आप बनवाने के लिए परमानेंट DL जाएंगे तो अब तक तो आपका लर्निंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया होगा। तो जब परमानेंट लाइसेंस बनवाएं जिस तिथि तक, उस तिथि तक तो आपका लर्निंग वैध होना चाहिए, ये मान के चलिएगा। तो उसी हिसाब से आप अपनी डेट को मैनेजमेंट करके रखें। मिनिमम बेहतर होगा कि आप 40 से 50 दिन जब हो जाए या 2 महीना हो जाए, मैक्सिमम 3 महीना, तो आवेदन कर दें परमानेंट लाइसेंस के लिए और 1 महीने या 15 20 दिन में जो भी स्लॉट्स मिल रहा है उसको बुक कर लें परमानेंट DL के लिए, ये बेटर होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम जो है वो 180 डेज़ के अंदर, मिनिमम 30 डेज़ के अंदर बाद में ही परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं आप लाइसेंस बनवा के। उम्मीद करता हूँ आपको सारे डाउट क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट को क्वेश्चन बचा हो तो यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर फॉलो कर लीजिए और अपने क्वेश्चन वहाँ पर हमसे पूछ लीजिए, वहाँ पर आंसर आपका मिल जाता है। साथ साथ आप ट्विटर पर हमसे जुड़कर पूछ सकते हैं, ट्विटर पर अपने समस्याओं को लिखकर हमें टैग कर दीजिएगा, वहाँ पर भी आपका आंसर मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, उससे आपकी बेहतरी होगी। साथ
सारे डॉक्यूमेंट्स या वीडियोस के लिंक भी है उस ग्रुप में मिलते रहते हैं, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया हैंडल लिंक दे रखा हूँ, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो करिए। फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम, सभी जगह अवेलेबल हैं। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा यहाँ तक वीडियो देखा है तो, और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ जल्दी ही नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।